सर देखें हर गांव हर घर हरियाली लो जनाब आओ सारे पानी बात देखो लाई लो बूटा अपने हाथ इधर हां सही गल एक निशानी दी रही है बावे और नहीं ए तहसीलदार साहब की निशाने में जब इस बार ये पता कि बहुत मिट्टी में तैयार हो जाए फूल लगे इसके बाद ना चलो अब कोशिश किचोना साहब मिट्टी मैं हूं ना दोस्त तू आज 900 रुपए पे रखो बराबर आ चाचा ने बूटा जरा लगना चाहिए सरदार साहब ने हथा लाया एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन है वो हमारा पूरा जहाँ भी सबकी एक जिम्मेवारी है एक अच्छे सिटीजन का होने का एक फर्ज ये भी बनता है कि हम अपने आसपास का जितने भी एनवायरनमेंट है जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखें बिकॉज डेली लेवल पे कंस्ट्रक्शन होती रहती हैं और काफ़ी सारे पेड़ वगैरह काटे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जितना हो सके इसको भरपाई करने के लिए अगर हम इस तरह के प्लांटेशन ड्राइव करते रहें और ये सोसाइटी को भी एक पूरा समाज को भी एक मैसेज आए कि जो भी अपने लेवल पर भी बिना कहे भी जहाँ भी हमें लगता है जगह पर वहाँ पर हमें प्लांटेशन ड्राइव इस तरह की करती रहनी चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट हमने जिस में रह रहे हैं उसको बेटर तरीके से हम नेक्स्ट अपने जनरेशन को वैसे ही हम प्रोटेक्ट करके उनको आगे लिंगर ऑन करके बढ़िया तरीके से उनके लिए बचा के रखें। इस लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि जो ये एनवायरनमेंट है इस पे हम एक किस्म के किराएदार हैं तो हम इसको ऐसे डिस्टर्ब ना करें कि जो आने वाली जनरेशन कल को हमें कोसें कि देखो हमने इसका ख्याल नहीं रखा है। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ये हम आगे सुनते रहते हैं हर जगह बड़े बड़े लेवल पर आज जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट की वजह से लोगों को पॉपुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में जो है दुख तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम जितना हो सकता है जो मदर अर्थ है या जो नेचर है उसके साथ हम ज़्यादा खिलवाड़ ना करें और जितना हो सके हम उसको जितना भी हो सके उसको बचाने के लिए हम अपनी जनरेशन्स को एक हमारी तरफ से गिफ्ट रहना चाहिए कि हम उसको डेली बेसिस पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। आज जो कि फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट की तरफ से हर ऑफिस में हर मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में जहाँ भी मेंडर सब डिवीज़न में हर गांव में जाकर इन्होंने आज ये एक मुहिम चलाई है पेड़ लगाने की। लिहाजा मैं सोशल फॉरेस्ट की तरफ से भी और अपने लोगों की तरफ से भी आप सब लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो अपने घर में हरियाली के लिए ताजो हवा के लिए ये पौधे लगाएँ चाहे वो किसी भी किस्म के हों फलदार हों या दूसरे हों हर किस्म के पेड़ पौधे लगाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे इस खित्ता पीर पंजाल में हरियाली जो है वो बनी रहे। जय हिंद जय भारत। मैं हनुमान मंदिर मेंढर का पुजारी और यहाँ मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा ये फॉरेस्ट वाले जो है हमेशा कभी ना कभी आते रहते हैं हमारे बीच में प्लांटेशन की ये सब चीज़ें प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है तो मैं सबसे देशवासियों से एक अपील करता हूं क्योंकि अगर पेड़ है तो हम लोग हैं। आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जब कोविड के समय जो है जो मेन सिटी में लोग रहते थे उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा जो मोहल्ले में गांव में लोग रहते थे उनको कम नुकसान पहुंचा। उसका रीज़न क्या है क्योंकि उनको बिल्कुल फ्रेश हवा ताज़ा हवा जो है उनको मिलने को मिलती थी और बाकी जो सिटियों में लोग रहते थे उनके लिए ये इसकी परेशानी की वजह से जो है उनका अंदर से वीकनेस की वजह से उनको ये बीमारियाँ अंदर से ख़त्म करती हैं। इसलिए पेड़ हर जगह लगाने चाहिए जिनको सिटी में घर हैं तो वो गमले में लगाएं जिनके अपने पास ज़मीन है वो पेड़ अवश्य लगाएं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है तो इसके उपलक्ष्य में जो है मेंढर सब डिवीज़न में भी ये जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है
इसने ये ड्राइव ऑर्गेनाइज की है जिसमें अलग अलग ऑफिस में अलग अलग धार्मिक जो इधारे हैं वहाँ पे जो है पेड़ पौधे लगाने का जो कार्यक्रम रखा गया है, और उसी एवज में आज ये हनुमान मंदिर के प्रिमाइसिस में प्रांगण में जो है ये प्लांटेशन ड्राइव की गई है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये लोगों से अपील रहेगी कि बढ़ चढ़ के जो है इस ड्राइव में हिस्सा लें और अपनी आबो हवा को जो है वो ठीक रखने के लिए जो है वो पेड़ पौधे लगाएं और देश को हरा भरा करें। धन्यवाद।